दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस में खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना था स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इसमें ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए और खासतौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपये बरामद नहीं हुआ था, उनका कोई उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। पाकिस्तान की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत में आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा जब फैसला आया तो मनु सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने सभी हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को एक सीख देते हुए कहा, ये प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई, मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए,
कोई मना नहीं कर रहा, मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई, यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया।